आप लोग अगर जद्दा सऊदिया में किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मैं उस टॉपिक के ऊपर आप लोगों के लिए वीडियो बना सकता हूँ। YouTube चैनल आइडियल खान ब्लॉगर, तो ये एक और नई वीडियो आप सबके लिए लेके आया हूँ। आज की वीडियो में हम लोग फिर से एक अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। आप लोगों ने अगर टाइटल और थंबनेल देखा है तो हम लोग आज की वीडियो में एक ट्राइपॉड जो है वो अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। आज ट्राइपॉड हमारे पास है, कैंडेक का ये ट्राइपॉड है, आप लोग देख सकते हैं। फ्रंट पे हमें इसका मॉडल नंबर लिखा हुआ मिल जाता है जो कि है DC600। ऊपर की तरफ हमें ब्रांडिंग मिल जाती है, इस तरफ हमें कैंडेक का प्रोफेशनल ट्राइपॉड लिखा हुआ मिल जाता है। स्पेसिफिकेशन इसके ऊपर बॉक्स के ऊपर लिखी हुई हैं। मैं जो है बॉक्स ओपन करता हूँ और आप लोगों को खुद जो है वो बताता हूँ, प्रैक्टिकली जो है वो बताता हूँ इनकी स्पेसिफिकेशन। बिना किसी देरी के हम लोग जो है वो बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। सो बॉक्स को ओपन करते साथ हमें जो है सबसे पहले एक बैग मिलता है, बॉक्स के अंदर और कुछ नहीं है। बॉक्स को ओपन करते साथ हमें सबसे पहले ये बैग मिल जाता है। बैग ये हैंग करने के लिए, अगर आप कहीं बाहर शूटिंग के लिए जाते हैं तो आप जो है इस बैग के अंदर जो है वो ट्राइपॉड को डाल के तो लेके जा सकते हैं। बॉक्स का हम लोग बैग को ओपन कर लेते हैं, तो बैग को ओपन करते साथ हमें जो है इसमें ये ट्राइपॉड मिल जाता है। अब बहुत सारे लोग जो हैं वो वीडियो एंड तक नहीं देखते, तो अगर किसी ने ये ट्राइपॉड परचेज करना है तो स्क्रीन पे कहीं पे जो है आप लोगों को व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ नज़र आ जाएगा, आप उनको मैसेज करके जो है वो बोल सकते हैं कि ट्राइपॉड या आप लोगों ने कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें जैसे रिंग लाइट लेनी है, वीडियो के रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स आप लोग अगर ख़रीदना चाहते हैं तो ये व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है आपको, इस पर आप लोग या व्हाट्सएप करें या डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को जो है वो नंबर मिल जाएगा अगर मैं स्क्रीन पर नहीं लिखता तो। ये हमारे पास एक हमें बैग के अंदर एक मोबाइल होल्डर मिलता है, इस तरह का कुछ मोबाइल होल्डर है जिसमें हमें अंदर की तरफ हमें कुशनिंग मिलती है उसके लिए मोबाइल के ऊपर, ताकि स्क्रैचेस ना पड़े। ऊपर की तरफ हमें हार्ड प्लास्टिक मिलता है और ये जो है ऐसे स्ट्रेचेबल है ताकि आप अपना मोबाइल डाल सकें। बैग को रखते हैं साइड में, बैग में हमें और कुछ नहीं मिलता। ट्राइपॉड हमें इस तरह के शॉपर के अंदर मिलेगा, अगर आप लोग परचेज करते हैं तो आप लोगों को जो है वो ट्राइपॉड इस तरह के शॉपर में मिलेगा। ये कुछ ट्राइपॉड है हमारे पास, हाइट इसकी बहुत ज़बरदस्त है। मैं पूरा ओपन करके तो आप लोगों को नहीं दिखा सकता, आगे वाली वीडियोस में चल के इंशाल्लाह मैं आप लोगों को जो है वो इसकी पूरी हाइट भी दिखाऊंगा। इस तरह का ट्राइपॉड है। फ्रंट पे देखते हैं तो हमें इधर एक रिमोट कंट्रोल मिलता है, रिमोट में हमें फ़ोटो खींचने की ऑप्शन मिलती है और जूम इन और जूम आउट के ऑप्शन मिलती है। रिमोट कंट्रोल को हम लोग रिमूव भी कर सकते हैं उसके जो है होल्डर में से। रिमोट के राइट साइड पे हमें ऑन और ऑफ़ करने के लिए बटन मिल जाता है और लेफ्ट साइड पे हमें माइक्रो यूएसबी की ऑप्शन मिल जाती है। ये हमें कुछ रिमोट मिलता है, ये इसलिए है कि हम लोग इससे जूम इन और जूम आउट, इधर प्लस का बटन है तो आप उससे जूम इन कर सकते हैं, माइनस का बटन है उससे आप लोग जूम आउट कर सकते हैं, और प्लस के बटन से आप लोग फोटो या वीडियो जो है वो कैप्चर या ऑन कर सकते हैं। ये इसकी अपनी जगह पे चला गया। ये जो है इसका जो इसका होल्डर है वो अप और डाउन मूव भी होता है, ठीक है। ट्राइपॉड हमारा डबल जो है वो एक्सटेंड हो सकता है, मैं पूरा तो आप लोगों को नहीं दिखाऊंगा, ये एक्सटेंड इस तरह का हो सकता है, तीनों इसकी लेग्स जो है वो इस तरह एक्सटेंड हो सकती हैं। इस तरफ हमें इसका होल्डर मिल जाता है जिससे आप लोग ग्रिप करके इसको जो है वो कहीं पे भी जो है वो कैरी कर सकते हैं। ट्राइपॉड के ऊपर की तरफ देखें तो हमें इधर एक लिवर मिल जाता है जिससे आप लोग ओपन करके जो है वो ट्राइपॉड को मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ट्राइपॉड को ये जो है हमें इस तरह जो है वो इसको मूव करने, ट्राइपॉड का जो हेड है उसको मूव करने के लिए यूज़ होता है। इस तरह से आप लोग इसको टाइट करके जो है वो लॉक कर सकते हैं। ये इसको टाइट कर दिया तो ये जो है ऊपर नीचे मूव नहीं होगा। इसी के लेफ्ट साइड पे आप लोगों को ये जो है ये कंट्रोल मिल जाता है और इसको आप लोग टाइट करके लूज़ करके आप लोग इसको ऐसे ऐसे मूव कर सकते हैं और टाइट करके आप लोग इसको लॉक कर सकते हैं, तो ये अब मूव कहीं नहीं जाएगा। इस तरफ दरमियान में हम लोगों को ये इसके टॉप और बॉटम के दरमियान में हमें इसके एक लॉक मिलता है जिसको आप लोग ऐसे ओपन करेंगे तो इधर जो है हमें एक लिवर मिलेगा जिसकी वजह से आप लोग जो है इसको ऊपर कर सकते हैं, इसकी हाइट जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं
और ज़्यादा। इस तरह जो है हम लोग इसकी जो है वो हाइट इंक्रीज कर सकते हैं। इसको हम लोग एलिवेटर कहते हैं, गियर एलिवेटर इस ऑप्शन को जो है वो कहते हैं। ये महंगे ट्राइपॉड्स में, प्रोफेशनल ट्राइपॉड्स में इसकी ऑप्शन आप लोगों को मिल जाती है। बिल्ड क्वालिटी इसकी बहुत ज़बरदस्त है। मैंने जब चैनल नया नया शुरू किया था तो मैंने एक ट्राइपॉड की अनबॉक्सिंग की थी, वो मैंने 50 रियाल का तकरीबन परचेज़ किया था और उसके एक मंथ ही के बाद ही वो जो है वो टूट गया था। उसकी क्वालिटी इतनी कुछ अच्छी नहीं थी। अच्छा, अब आप लोगों को मैं इसके एक जो है वो इसका जो है हम लोग मैं आपको क्विक रिलीज के बारे में बता देता हूँ। इसको हम लोग थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं और मैं आप लोगों को, अगर मेरा कैमरा मैन आप लोगों को अगर इसके ऊपर फोकस करके दिखाए तो इधर आप लोगों को एक जो है वो बटन मिल जाता है। क्विक रिलीज़ का ये मतलब होता है कि अगर आपका ये जो मोबाइल होल्डर है, ये अगर आप लोगों का इसके ऊपर जो माउंट है, तो अगर आप लोगों को कोई इमरजेंसी आती है और आप लोगों ने मोबाइल लेके जाना है, तो आप लोगों को इतना घुमा घुमा के उसको जो है वो अनस्क्रू नहीं करना पड़ेगा। आपने सिर्फ जस्ट ये लिवर ऐसे करना है और ये आपका पूरा का पूरा जो है माउंट है वो बाहर आ जाएगा, जिसके ऊपर आपका ये मोबाइल होल्डर मैं आप लोगों को लगा के भी दिखा देता हूँ। सो ये देख सकते हैं कि फर्ज किया इसके ऊपर आप लोगों का मोबाइल लगा हुआ है और आप लोगों को कोई कॉल आ जाती है और आपने इसके ऊपर से रिमूव करना है, तो इसको घुमाने की ज़रूरत नहीं, आपने जस्ट ये लिवर एक ऐसे ओपन करना है और इससे आप लोगों का ये मोबाइल बाहर आ जाएगा, ठीक है। और ये कॉल्स के लिए ही आप लोगों के कोई कॉल आ जाए तो इस वजह से यूज़ होती है। इसमें ये फंक्शन मिलता है, तो इधर जो है हमें बबल लेवल की ऑप्शन मिल जाती है। बबल लेवल का ये मकसद होता है कि अगर आप कहीं पे जैसे वीडियो शूट कर रहे हैं, ऐसे जैसे फर्ज किया पड़ा हुआ है ये ट्राइपॉड, और अगर तो ये इस तरह से जैसे अगर कहीं से ये ऊंचा है तो आप इसको जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे अगर वीडियो जो है वो इस तरह से ऊपर की तरफ है तो आप इसको ऐसे नीचे कर सकते हैं, और डिफरेंट जो है अपने हिसाब से आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं। इसके हम लोग लेग्स की बात करें तो इसमें भी हम लोगों को ये जो है एडजस्ट करने के लिए मकसद इसका ये है कि अगर जैसे अब ये फ्लैट जगह है तो इसकी जगह पे ये इधर एडजस्टेड है सीधा इसके हिसाब से, बट अगर आप लोग जैसे अब ये बम्प है तो इसके हिसाब से ये ऐसे एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसे एडजस्ट हो जाएगा, उसके हिसाब से ये ऐसे ऐसे मूव भी हो सकता है, तो ये इसलिए है। डिफरेंट टाइप्स हैं। अच्छा, आप लोगों में से अगर किसी को ये पता है कि ये हुक किस लिए होता है ट्राइपॉड के नीचे, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, बिकॉज इसके बारे में मुझे नहीं पता। और जिनको नहीं पता तो जो व्यूअर्स देख रहे हैं वो आप लोग कमेंट्स में जा सकते हैं और कमेंट्स देख सकते हैं, हो सकता है किसी ने बताया हो, मुझे इसके बारे में इल्म नहीं है। ये थी हमारा ट्राइपॉड का रिव्यू। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन मिले। आप लोग अगर जद्दा सऊदिया में किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मैं उस टॉपिक के ऊपर आप लोगों के लिए वीडियो बना सकता हूँ। और जैसे मैंने पिछले दिनों शहरी नंबर 11 के ऊपर, अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो आप लोग सर्च में लिख सकते हैं आइडियल खान शहरी #11, तो वो आप लोग वीडियो देख सकते हैं। सिंपल वीडियो थी बट उसमें जो है मैंने मदम सद्दा के बारे में बताया था, ख़ास को नहीं बताया था, बट अगर आप लोग उसकी मंदी का टेस्ट जो है वो पता करना चाहते हैं तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना सकता हूँ। कुछ लोग सऊदीया से पाकिस्तान गए हैं तो पाकिस्तान में अलबेक वगैरह नहीं मिलता, आप लोग मुझे वो भी बता सकते हैं, मैं आप लोगों के लिए अलबेक का एक रिव्यू बना सकता हूँ। डिफरेंट रेस्टोरेंट्स की मैंने वीडियोज़ बनाई हुई हैं, आप लोग जो है मेरे नीचे चैनल का जो नाम लिखा रहा है आप लोग उसको प्रेस करके प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाके डिफरेंट प्लेलिस्ट देख सकते हैं। मैंने कुछ महीने पहले अल कसीम सीरीज़ बनाई थी, बहुत अच्छा रिस्पांस दिया था आप लोगों ने, उसमें मैंने निराला रेस्टोरेंट, फलाफिल हट और इनके बारे में रिव्यू बनाया था। ये थी आज की वीडियो, आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, मिलते हैं इसी तरह किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए। व्लॉग करना है मुझे, व्लॉग करना है।